फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल जिसमें कि सीट मैट्रिक्स काफ़ी चेंज हो गई है, जनरल की सीटें कम हो गई है, उसमें क्या हो सकता है राउंड टू तक, किस तरह से कटअप पे इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा, महाराष्ट्र के बारे में भी बात करेंगे कि महाराष्ट्र में राउंड वन के अलॉटमेंट के बाद राउंड टू में क्या चांसेस हैं या फिर किस तरह से मेरिट इफेक्ट करेगी। तीसरा, झारखंड का भी रिजल्ट आया है, उसकी बात करेंगे। चौथा, हम ये बात करेंगे पंजाब में आगे के राउंड में क्या हो सकता है, ये सारा हम डिटेल में बात करेंगे। और काउंसलिंग से रिलेटेड भी एक इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूंगा, बेसिकली किस तरह से आपको मूव करना चाहिए। उससे पहले फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सबसे पहली बात, अगर हम बात करें महाराष्ट्र स्टेट की, बहुत सारे बच्चे महाराष्ट्र स्टेट से हैं, बिलोंग करते हैं और मुझसे पूछ रहे थे, उनका ये क्वेरी था कि क्या राउंड टू में कुछ कट ऑफ में चेंजेस हो सकते हैं। तो बिल्कुल कट ऑफ में चेंजेस होंगे, अभी 4 to 5 marks ड्रॉप हो सकता है या उससे भी कम हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में खुद ही इतने टॉप कॉलेजेस हैं ज़्यादा, चाहे मुंबई बेस के 4-5 colleges हो या फिर पुणे बेस के या फिर नागपुर, ये सारे टॉप कॉलेजेस हैं। इनको अगर बच्चे ले लेते तो इनको छोड़ते नहीं, इनसे अपग्रेड ही करते हैं। जो बच्चे महाराष्ट्र के सेट जीएस हो गया या फिर बीजीएमसी पुणे हो गया, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इन्हीं कॉलेजेस को ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ले लेते हैं, लेकिन वो स्टेट कोटा में भी रजिस्टर्ड है। तो अल्टीमेटली बेनिफिट आपको होगा, सीटें राउंड टू में काफ़ी आएंगी। लेकिन अब क्योंकि स्ट्रे वैकेंसी राउंड नहीं है, तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड से कोई भी सीटें मीन्स रिवर्टेड सीटें नहीं आएंगी, तो जो भी होगा वो मैक्सिमम राउंड टू में क्लियर हो जाएगा। जो सीटें थोड़ी बहुत बचेंगी वो फिर नेक्स्ट राउंड के लिए जाएंगी। तो अभी भी मार्क्स का डिफरेंस हो सकता है। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे, ये कह रहे थे कि सर आप अपडेट नहीं करते हो। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि थोड़ा सा मेरा शेड्यूल काफ़ी रहता है, काफ़ी ज़्यादा रहता है, बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे 1-to-1 में भी हैं, 200 से ऊपर हैं, तो फिर उनको भी देखना पड़ता है। साथ ही साथ मेरा खुद का पर्सनल जो जो मैं काम करता हूँ वो चलता है, जो 1-to-1 में है उन्हें पता है, तो थोड़ा सा ये अपडेट करने में थोड़ा लेट हो जाता है। जैसे कि कुछ बच्चे कहते हैं कि रिजल्ट आया हो राउंड वन का, जैसे इस तरह के वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे कि जैसे राउंड वन का किसी स्टेट का रिजल्ट आया तो तुरंत कट ऑफ आपको बताने लगे, तो वो कट ऑफ तो आपको पता ही चल जाएगा जब आप सीट देखेंगे, तो उसमें उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है। हाँ, राउंड टू के बारे में, नेक्स्ट राउंड के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन मैं अपडेट कर देता हूँ, चाहे वो कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू हो या फिर वीडियो के माध्यम से हो, तो उसी दिन या फिर अगले दिन मैं अपडेट कर देता हूँ, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। पहली बात ये इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे। महाराष्ट्र में भी अभी भी कट ऑफ ड्रॉप होगा, नो नीड टू वरी अबाउट दैट, बशर्ते ये कि स्ट्रे काउंसलिंग में जब रिवर्टेड सीट आती थी तो 100 से ऊपर आती थी लगभग कभी कभी, तो वो सीटें नहीं आएंगी। तो जो भी होगा मैक्सिमम राउंड टू में क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं झारखंड की, झारखंड का भी कट ऑफ ज़्यादा नहीं गया है मिस, क्योंकि 3 colleges ऐड हुए थे इस बार, और आने वाले टाइम में क्योंकि जो 3 colleges ऐड हुए हैं पलामू, दुमका, हज़ारीबाग, इनकी शिफ्टिंग होगी, बच्चे यहाँ से प्रेफर नहीं करते हैं। कुछ बच्चे हैं जो रिम्स रांची को भी लिए हुए हैं, वो उसको प्रेफर नहीं करेंगे, वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही प्रेफरेंस रखते हैं। तो झारखंड में अच्छी खासी सीटें स्टेट कोटा में वैकेंट हो सकती हैं, कट ऑफ अभी लो जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें पंजाब में, तो पंजाब में NRI सीट और फिजिकली हैंडीकैप्ड सीट क्योंकि बच्ची हैं वो राउंड टू में इंक्लूड होंगी। और पंजाब का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑल इंडिया कोटा राउंड टू के बाद इसकी काउंसलिंग है, जिसकी वजह से बच्चों को फ़ायदा होगा। जो बच्चे ऑल इंडिया कोटा से सीटें ले लेंगे वो फिक्स कर लेंगे, तो जो स्टेट कोटा के राउंड वन में सीटें रजिस्टर्ड हैं वो फिर वैकेंट हो जाएंगी, और साथ ही साथ NRI की भी सीट आएंगी और PWD की भी सीट आएंगी, इससे कट ऑफ ड्रॉप हो सकता है। तक वेस्ट बंगाल की बात है, वेस्ट बंगाल में थोड़ा सा जनरल कैंडिडेट्स के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि यहाँ पर सीटें आपकी जनरल की कम हो गई हैं, EWS की बढ़ गई हैं, तो कट ऑफ पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। नॉर्मली होता क्या था कि वेस्ट बंगाल में ऑल इंडिया कोटा से भी सीटें रिवर्ट होकर आती थी, वो नहीं आएंगी, तो इससे थोड़ा सा जनरल कैंडिडेट्स के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वेस्ट बंगाल का एक केस है कि एक बच्चा 1-to-1 में मेरे से लेटेस्ट जुड़ा है, और उसने मुझसे कहा कि सर मेरा EWS से ये रैंक है, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है। मैंने कहा
मतलब उसका ये कहना था कि अगर आपने बोल दिया तो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं कि अगर मैंने बोल दिया तो 100% हो जाएगा, वो रैंक पे डिपेंड करता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये रही कि जैसे उसने मेरे से ये पूछा, अगले दिन सीट मैट्रेस आ गई और EWS की रैंक मीन्स EWS के जो सीटें हैं वो बढ़ गई, तो अब वो उसका चांसेस बन गया। तो इस तरह से चांसेस बन सकते हैं कि कहाँ पे कैसे सीटें इंक्लूड होती हैं, लेकिन जनरल के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ज़्यादा नहीं फिर भी राउंड 2 तक क्लियर हो जाएगा। जो मॉपअप में सीटें इंक्लूड होती थी वो नहीं होंगी, तो इसकी वजह से थोड़ा सा कट ऑफ आपका हाई जाता है। तो ये वेस्ट बंगाल का केस है, और नॉर्मली सभी स्टेट में अभी राउंड 2 तक कट ऑफ ड्रॉप होगा, और जो मैक्सिमम ड्रॉप होगा वो मॉपअप में भी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कम ही कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि तब तक कैंडिडेट्स को डिसीज़न लेना पड़ता है, ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में भी, स्टेट कोटा राउंड 2 में भी सीटों को ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, छोड़ना ही पड़ेगा, तो इसलिए मॉपअप में सीटें शिफ्ट हो सकती हैं। ये रही बात वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में राउंड 1 में कट ऑफ आपको काफ़ी इंक्रीज दिख सकता है, क्योंकि काफ़ी लेट काउंसलिंग हुई है, और जो कैंडिडेट्स ऑल इंडिया कोटा से भी रजिस्टर्ड हैं, अगर उनको उनके मनपसंद का कॉलेज मिला है तो ठीक है, नहीं तो स्टेट कोटा में उन्होंने भी रजिस्ट्रेशन कराया है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका रिजल्ट 1-2 दिन में आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से सिनेरियो बन सकते हैं, और आपके चांसेस EWS बच्चों के काफ़ी बढ़े आएंगे इस बार, जिनका EWS है। लास्ट ईयर भी EWS जनरल से काफ़ी लो स्कोर पे सीटें मिली थी, इस बार और भी जा सकता है, क्योंकि कई कॉलेज में EWS लग गया है, सीटें बढ़ गई, तो ये इम्पोर्टेंट बात है। दैट्स ऑल।